तो आपका हमारे YouTube चैनल दीप्ति सिंह ठाकुर में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 24 चालू होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपका एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, छोटा रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि जो हमारा पुराना वाला पार्ट था 23, उसमें आपको मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे उससे आपको काफी अच्छे एक मतलब तरीके से रिविजन मिल जाए आपको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो इससे पुराना वीडियो था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, सबसे पहले बताया था कि मीना माता डिसीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विद। तो आपको बताना है कि ये वाली जो बीमारी होती है वो मछली खाने की वजह से होती है, पर मछली मतलब किस चीज से पॉल्यूटेड हो जाए तब ये वाली बीमारी हमको होती है। तो देखिए उसका सही आंसर है मर्क्यूरी या फिर MG या फिर पारा हमारा, इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों क्वेश्चन, या फिर आप एक फोटो भी देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस फर्स्टली इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कि जो हमारी महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम थी वो कि इम्प्लीमेंटेड पूरे सारे जितने भी हमारे राज्य उनमें होनी थी, पर जो पायलट बेसिस में सबसे पहले लॉन्च कहाँ पे करी गई थी, तो वो देखिए उसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा हमारा सही आंसर है दोस्तों, आप दोनों साइड देख लीजिए आप। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बताया था दोस्तों, वो था कि हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। तो देखिए इसके चार ऑप्शन थे, मतलब किन्ने सेंटीग्रेड स्केल जो माप था वो किसने इन्वेंट किया था दोस्तों। उसके देखिए चार ऑप्शन है, एंडर सेल्सियस, डेनियल गैब्रियल फेरनाइट, और जो तीसरा है वो विलियम थॉम्सन, और चौथा है राइट ब्रदर्स या राइट ब्रदर्स दोस्तों। तो इसका देखिए सही आंसर वो है एंडर्स सेल्सियस। तो इसके बाद मैंने आपको देखिए एंडर्स सेल्सियस इनका फोटो भी दिखाया था आपको दोस्तों, आप देख लीजिए इनकी फोटो, क्योंकि आप फोटो से क्या है जल्दी से समझ जाएंगे इनका नाम और देख लेंगे हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। तो एंडर सेल्सियस ने इनका जो इन्वेंट करा था वो इन्होंने किया था। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ये था, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना था। आपको बताना है ईरानी ट्रॉफी जो थी वो क्रिकेट से जुड़ी हुई थी, मतलब आपको बताना है कि ट्रॉफी और जो किस खेल से वो जुड़ी हुई है या किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है। तो देखिए मैंने आपको बताया ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से जुड़ी हुई दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको बताया संतोष ट्रॉफी है वो आपकी फुटबॉल से जुड़ी हुई है, और जो अजलन शाह कप है वो आपका हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारी कि जल्लीकट्टू प्रैक्टिस इन तमिलनाडु इज अ पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल, मतलब जो जल्लीकट्टू मतलब तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। तो देखिए उसका सही आंसर है पोंगल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने वो क्वेश्चन बताया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2016। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2016 के मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम जो उनका अवार्ड था या अचीवमेंट अवार्ड का प्राप्तकर्ता नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है अमित कुमार जी। अमित कुमार जी को नहीं मिला था ये वाला, उन्होंने प्राप्त नहीं करा था ये वाला जो था हमारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 में। तो देखिए दोस्तों अमित कुमार जी हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था हु ऑथर्ड द बुक टाइटल जिन्ना ऑफ्टन कम टू आवर हाउस, मतलब जो जिन्ना ऑफ्टन कम टू आवर हाउस था जो किताब थी, तो वो उसके लेखक कौन थे दोस्तों। और उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने 2016 में हिंदू प्राइज भी जीता था दोस्तों। तो देखिए ये है कि किरण दोषी जी जो थे उन्होंने ये वाली किताब लिखी थी, कौन सी आपको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, तो क्या है आप देखेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, जिन्ना ऑफ्टन कम टू आवर हाउस दोस्तों, इनने ये वाली किताब लिखी थी। तो इनको 2016 में हिंदू प्राइज भी मिला था इस किताब को। तो दोस्तों वो किन ने लिखी थी, किरण दोषी जी ने, या दोस्तों आप इधर से देख सकते हैं हिंदी में भी किरण दोषी जी। तो ये उनका एक मैंने फोटो बताया था आपको जिससे कि आप उनको याद रख पाए जो उनका वर्ड है, क्योंकि ये आपको काफी काम आएगा, क्योंकि किरण दोषी जी का डायरेक्ट आप एकदम से फोटो से लिंकअप करके आप याद रख सकते हैं कि इनकी किताब थी कौन सी, जिन्ना ऑफ्टन कम टू आवर हाउस। तो दोस्तों चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारा क्विक रिवीजन हो गया है। आज के हम जो क्वेश्चन है वो हमारे, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट टू रिन्यू द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, दैट इज मतलब 2022 तक का। तो यही किस देश के साथ भारत ने 5 वर्ष के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति के समझौते को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किया है। तो देखिए इसके चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, नेपाल, यूएई, यूएई का दोस्तों मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, यूएई का फुल फॉर्म होता है अरब, जो होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोस्तों,
ये होता है यूनाइटेड, मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए कि जिससे कि आपको याद हो जाए एक बार में, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब, और ई से होता है हमारा इमाइरेट्स, दोस्तों याद रखिए। दोस्तों याद रखिएगा यूनाइटेड अरब इमाइरेट्स, यूई को बोलते हैं, नेपाल, ईरान और भूटान। तो देखिए इसका सही आंसर है नेपाल। तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार दोस्तों, कि ये है कि द कंट्री है साइन, मतलब इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि रिन्यू ऑफ सप्लाई, मतलब ये जो पेट्रोलियम की सप्लाई बरकरार रखने के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए, जो 5 साल के लिए जो उनने एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने, तो वो किसके संग किया था, नेपाल के संग दोस्तों किया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। तो देखिए इसके सही, इसके जो 4 ऑप्शंस हैं वो है नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान दोस्तों। तो म्यांमार इसका सही आंसर है दोस्तों, मैं दोनों साइड लगाया था, आप देख लीजिए दोस्तों, म्यांमार इसका सही आंसर है, मतलब लैंड लॉक कंट्री नहीं है, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लैंड लॉक को हम बोलते हैं स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज बाय बैंक्स टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दर, दर मतलब रेट, बैंक बैंकों द्वारा अपने सबसे योग्य ग्राहकों के लिए, योग्य ग्राहकों से वसूली करते हैं या वसूली जाती है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शंस हैं, प्राइम लेंडिंग रेट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेट, बैंक रेट और रेपो रेट दोस्तों। तो इस तरीके से आप इधर भी देख लीजिए इसको, न्यूनतम उधार दर, सर्वाधिक दरलता दर और जो बैंक दर और पूर्ण क्रेडिट रेट जो है हमारा। तो इसका सही आंसर है हमारा प्राइम लेंडिंग रेट, मतलब पहला वाला न्यूनतम आधार दर। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख लीजिए प्राइम लेंडिंग रेट। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन जो दूसरा है वो है, मीडियम टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ, मतलब मध्यावधि श्रेणी तक की, ऋण तक की अवधि के लिए दी जाती है, मतलब कौन सी चीज, तो फॉर अ पीरियड ऑफ। इसके देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 ईयर टू 2 ईयर, या मतलब 1 साल से 2 साल, 15 मंथ से 3 साल, और 15 मंथ से 4 साल, और 1 साल से 3 साल। तो दोस्तों इसके सही ऑप्शन है वो है पहले साल से तीसरे साल तक, मतलब फर्स्ट ईयर टू थ्री ईयर्स, मतलब 1 साल 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो देखिए आपको बताने की फेडरल गवर्नमेंट का, जो कि आपको हिंदी में पढ़ देता हूं, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता बताइए आप, संघीय सरकार की एक विशेषता बताइए। तो यह है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और आखिरी है सिंगल सिटीजन दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं इसके, तो आपको सही आंसर इसमें से देखना है दोस्तों। इसका सही आंसर है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब तीसरा वाला दोस्तों, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए अगर कोई हो तो, मतलब यह है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल, ठीक है, आपातकालीन या आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन वो है, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32, आर्टिकल 349, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 355। तो मतलब अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349 और अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 355। तो इसमें से सही आंसर है अनुच्छेद 360 या फिर आर्टिकल नंबर 360 दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। इस तरीके से आप दोस्तों देख लीजिएगा दोनों साइड, तो देख लीजिए दोस्तों फाइनेंशियल जैसे लिखा हुआ, प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब मैंने आपको एक फोटो बता दी जिसमें ये सिक्के वगैरह और नोट वगैरह हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो फाइनेंशियल, हमारी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगा सकता है प्रेसिडेंट, तो मतलब आर्टिकल 360 के मतलब द्वारा लगा सकता है दोस्तों, इस तरीके से देख लीजिएगा आप, जो कि खाली प्रेसिडेंट लगाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। तो आपको दोस्तों बताना है गदर पार्टी का
स्थापक कौन है, मतलब किसने स्थापना की थी? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शंस हैं, वो है बसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह भाकना, और राम प्रसाद बिस्मिल, और चौथा है भगत सिंह। तो देखिए इसका सही आंसर वो है सोहन सिंह भाकना। ये देखिए दूसरा वाला ऑप्शन, मतलब सोहन सिंह भाकना, तो इसका सही आंसर है दोस्तों। मैं इनकी एक फोटो भी दिखा देता हूँ दोस्तों, आप आराम से फोटो देख लीजिए। ये हमारे गदर पार्टी जो थी हमारी, तो उसके रचयिता थे, या मतलब फाउंडर थे उसके, ये मतलब स्थापना इनने की थी उसकी गदर पार्टी की। तो दोस्तों देख लीजिए, इनका नाम देख लीजिए दोबारा, सोहन सिंह भाकना इनका सही नाम है, सोहन सिंह भाकना इनका नाम है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इन एडी, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, या दूसरा एक नाम और है दोस्तों वो, तो इन एडी वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश्ड, ये मतलब आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से साल स्टेब्लिश हुई थी दोस्तों। तो देखिए ये काफी पुरानी है आपकी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पुराने टाइम की है दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है 1664, 1632, 1600 और 1608। तो देखिए इसका सही आंसर है 1600, ये 1600 जो थी हमारी एडी उसमें ये हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन, ये बताना है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। तो देखिए इसके चार ऑप्शंस हैं, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख लीजिएगा, तो इसके जो सही आंसर है वो है फोल्ड माउंटेन, मतलब वलित पर्वत। तो देखिए इसके सही आंसर ये है फोर्थ वाला, आप दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों इसके बाद आपको मैं एक फोटो दिखा दिया, क्योंकि ये जो हमारी हिमालय जो पूरी पर्वत श्रृंखला है जो ये यहाँ पर ये पूरे हुई है, तो आप देख लीजिए दोस्तों इस तरीके देख लीजिए इसके, यहाँ पे हिमालय पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये नेपाल वगैरह भूटान में भी है दोस्तों, ये इतना फैला हुआ है ये रीजन पूरा, इस तरीके दोस्तों आप देख लीजिए आराम से। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें। और प्लीज अगर आपको हमारे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल दीप्ति सिंह ठाकुर को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और वीडियोस को भी देखने का मौका मिले, और नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे कि आपको जैसे भी हमारा कोई वीडियो डले, जैसे ही हमारा कोई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए और अपने नॉलेज बढ़ाइए उससे दोस्तों, और तैयारी अपनी कंपटीशन की अच्छे से करिए हमारी वीडियोस के थ्रू। तो चलिए थैंक यू दोस्तों।